जिम करना है बहुत ज़रूरी है और वेट ट्रेनिंग करना ही सबसे बेस्ट है। कार्डियो कोई ऑप्शन नहीं है, कार्डियो से भी हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा हार्ट हमारा जो है वो ठीक काम करता रहे। मैंने जी ठीक है 3 लाख रुपए दूंगा, अब 6 महीने बनवा दो। अब वो 6 महीने बॉडी जो बनवा रहा है, जो मेरी बॉडी में स्टेरॉइड डाल रहा है, अब मेरी बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उनने मेरी बॉडी बनवा दी, ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। ये हमारी पीढ़ी के लिए गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, इसको ऐसा बात कर दी जैसे आम बात कर दी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज का सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला जो जिम में इंटरेस्ट रखते हैं या कंपटीशन खेलना चाहते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं वाहिद अली, एक सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर जिन्होंने अपनी लाइफ में 20 से 25 कंपटीशन जीतकर अपने नाम किए हैं और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स उनके प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए और कॉम्पिटिशन खेल चुके हैं। चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सो वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दूर से आए। मेरा क्वेश्चन ये है, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो एक अलग खुशी मिलती है, अंदरूनी खुशी मिलती है। मतलब क्या वर्कआउट करने से कोई हॉर्मोन्स लेवल्स पे भी कोई फर्क पड़ता है या कुछ इफेक्टिव है, मतलब क्यों ऐसा? ये इसलिए होता है कि आदमी सारा दिन, जैसे आदमी शाम में वर्कआउट कर रहा है, सारा दिन की स्ट्रेस है, उसे थकान है, ये है, जिम में आके माइंड फ्री हो जाता है और जब फिर रिलैक्स हो जाता है बिल्कुल, जब टेंशन है सारा दिन की खत्म हो जाती है, या सुबह उठ के वर्कआउट करता है तो सारा दिन उसके लिए अच्छा जाता है। सर इनिशियली जब लोग जिम स्टार्ट करते हैं वो खुद से स्टार्ट करते हैं, कोई ट्रेनर से नहीं करते वो लोग स्टार्ट, जब भी इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो जो भी उनका डिजायर रिजल्ट होता है ना वो मिल नहीं पाता जब वो खुद से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कब कितनी एक्सरसाइज करनी है कितनी नहीं करनी, और फिर एट द एंड क्या होता है वो जिम छोड़ देते हैं। अब जैसे किसी को भी जिम ज्वाइन करना है, सबसे पहले जाके तो उसको कोच से ही बात करनी है कि उस जिम में कोच है या नहीं है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जिम तो होते हैं कोच नहीं होते। अगर कोच है तो आप उसको जाके हायर करें, उसे अपना गोल बताएं कि आपको जिम ज्वाइन करने की वजह क्या है, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है या कोई और गोल है। काफ़ी सारे गोल होते हैं, किसी को मॉडलिंग करनी है, किसी को प्रिपरेशन करनी है, तो अपना गोल बताएं। और कोच का सबसे ज़्यादा महत्व है जिम ज्वाइन करने के लिए। जैसे कोई बीमार होता है तो अच्छे अच्छे डॉक्टर ढूंढता, तो ऐसे ही जिम में भी जाके कोच को देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कोच होना जो आपके गोल को अचीव कराएगा, जो भी आपका गोल हो, चाहे वेट गेन करना हो, लॉस करना हो, ये किसी चैंपियनशिप की प्रिपरेशन करनी हो या मॉडलिंग करनी हो, फोटोशूट का आना हो, कुछ भी हो, बिना कोच के पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल नहीं, मतलब एट द एंड छोड़ ही देते हैं कि नहीं हो रहा यार, अब छोड़ नहीं पड़ता हूं लोग। सारी बात मालूम नहीं हो पाती ना, अब वर्कआउट कैसे करना है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपको जरूरत क्या है, हर किसी की जरूरत अलग होती है ना बॉडी की। बेशक वो तो कोच ही जानेगा सारी बात, आपकी पूरी जर्नी सुनेगा, सारी बात सुनेगा। राइट राइट। जिम स्टार्ट करने के लिए फिजिकली प्रिपेयर होना ज्यादा जरूरी है, मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा तभी आप जिम कर सकते हो, अच्छा वर्कआउट कर सकते हो आप। जिम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जो है मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है, जिम ज्वाइन करने के बाद फिजिकली प्रिपेयर तो हो जाएगा सारा। हाँ बेसिकली फिजिकली प्रिपेयर होने के लिए तो हम जिम, हाँ मेन चीज है मेंटली प्रिपेयर होना कि आपको कुछ भी है कि मुझे जिम करना है और मुझे ये चीज करनी है, उसमें आपका रूटीन सही रहना चाहिए। आज ये नहीं है कि आपने हफ्ते में एक दिन जिम किया, 4 दिन यार दोस्तों में चले गए, आज वहाँ चले गए। इसमें इंजरीज के कितने चांसेस होते हैं? बहुत इजीली इंजरीज हो जाती हैं या फिर खुद की गलतियों से इंजरीज होती हैं? लाइक एक वर्ड होता है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग में क्या होता है कि लोग एक दूसरे को देख करके वेट उठाने की कोशिश करते हैं जबकि वो उतना कैपेबल नहीं है कि उतना वेट उठा पाए, उससे अगर इंजरीज हो जाती है तो कितनी खतरनाक इंजरी हो सकती है और फिर उसको रिकवर करना कितना मुश्किल हो जाता है, कितना आसान होता है? अपनी लाइफ से जुड़े हुए किससे बिल्कुल बताएं आप। इंजरीज जो है कभी कभी लापरवाही से भी होती हैं और कभी हो ही जाती हैं। तो अब मान लो कि जैसे कि हम जिम पहुँचे कि हमें कोई भी वर्कआउट करना है, अब हमें बहुत जल्दी है, हमारा दिमाग जहाँ जाना है उसमें लगा हुआ है, तो हमने किसी तरह का वार्म अप नहीं किया, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करी, आते ही शुरू वर्कआउट कर दिया, तो वहाँ इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आप जिम आ रहे हो तो फिर अपना दिमाग पूरा जिम में रहना चाहिए, आपको जो वर्कआउट करना है प्रॉपर वार्म अप पूरा, उस मसल की स्ट्रेचिंग जो हमें मसल को ट्रेन करना है, अगर सब ऐसी तरह से करेंगे तो फिर इंजरीज के चांस बहुत कम रहते हैं। और ईगो लिफ्टिंग तो नहीं करनी चाहिए, ज़्यादातर इंजरीज ईगो लिफ्टिंग की वजह से होती है कि मान लो कि हमारा मसल कोई भी वेट उठाने के लिए तैयार नहीं है
और आप उस पर बहुत ज्यादा लोड डाल रहे हैं, या 5 किलो उठाने के लिए तैयार है और आप उस पर 25 किलो डाल रहे हैं, तो वहाँ इंजीज के चांस ज्यादा पड़ जाते हैं। ईगो लिफ्टिंग तो करनी नहीं चाहिए, ईगो लिफ्टिंग से कोई फायदा भी नहीं होता। हमें मसल बिल्डिंग करनी है, ना कि लिफ्टिंग करनी। हमें तो प्रॉपर रैप्स लगाने, प्रॉपर सेट लगाना। इसलिए किसी को भी देख के वो पता नहीं 25 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, उसके मसल उस तरह से ट्रेंड है कि वेट को उठा रहे हैं, आपके मसल अभी ट्रेंड नहीं है, स्टार्ट करा है अपने, धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी मसल को। तो इसलिए अगर सब तरीके से रहते हैं तो इंजरीज हो भी जाती है, हो जाती है तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर कहीं भी किसी को वर्कआउट करते हुए इंजरीज होती है तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रीटमेंट तो उसको करना है, आइसिंग करनी है फौरन सबसे पहले। तो उसके बाद अगर इंजरीज बड़ी है तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, मगर सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है आइसिंग ही है। आपको हुई है कभी अपनी लाइफ? हाँ, काफी इंजरीज हुई है। लाइक कोई मेजर इंजरी के बारे में बताएंगे आप? हाँ, काफी हुई है। लेग्स में हुई थी भी, लास्ट टाइम हुई लेग्स में। और अभी जब मैं भी प्रेपर कर रहा था, अभी वर्कआउट हो जा रहा था खेलने यूनिवर्स, तो मेरे चेस्ट में हो गई थी अभी, और कॉम्पिटिशन से 15 दिन पहले हो गई थी। क्योंकि ऐसा होता है जब कॉम्पिटिशन का टाइम करीब होता है तो वहाँ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट कम हो जाता है। जब कार्ब कम हो जाता है तो वहाँ इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरे लास्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरे शोल्डर में इंजरी हो गई थी, मगर धीरे धीरे रिकवर हो गई, टाइम लगा मगर हो गई। आप अपना बताएं, आपने कब स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, और अभी आपकी एज 40+ है, अभी भी आप प्रॉपर कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं? कुछ अपनी पूरी जर्नी बताइए, कितने कंपटीशन आपने खेले हैं, अभी किस तरह प्रिपेयर करते हैं अपने आप को? लोगों को देख देख के शौक होने लगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर हमने सोचा हम चैंपियनशिप खेलेंगे। तो 97 से हमने स्टार्ट किया। सबसे पहले अपने सिटी का चैंपियनशिप खेली थी, मिस्टर अमरोहा, उसे जीता। मिस्टर अमरोहा जी, उसके बाद उसी साल में फिर हमने मिस्टर यूपी जीता। उसी साल में फिर हम दिल्ली गए थे, फिर हमने दिल्ली में जीता गोल्ड मेडल वहाँ पर। फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई, फिर शौक बढ़ने लगा। फिर ऐसे ही 97, 98, 99 लगभग 7 बार तो यूपी चैंपियनशिप, और 2 बार नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप, और नेशनल में गोल्ड मेडल्स, इंटरनेशनल लास्ट टाइम 2022 में भी खेला था यूनिवर्स, उसमें जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कहाँ खेले थे ये ब्रॉन्ज मेडल? ये लास्ट टाइम यूनिवर्स हुआ था इंडिया के अंदर पूना में, अभी 2022 में तो वहाँ खेला था लास्ट टाइम। और अब तो ये एक तरह से शौक भी है और जुनून भी है और फिर फैशन भी हो गया, सारा ही काम है अब ये, इसके अलावा कुछ नहीं सोचता। लगभग मेरी एज इस टाइम जो है वो 44 के आसपास है, और आज भी मैं तैयार हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा वेट था 55 किलो, और जब थोड़ा फैटी था, और आज मेरा वेट है 100 kg लीन मसल मास। ऐसा कहा जाता है कि जो बॉडी बिल्डिंग में जा रहा है, जिसने जितना भी नाम किया बॉडी बिल्डिंग में, उसके पास ऑप्शन, करियर ऑप्शन बहुत कम लिमिटेड होते हैं। मैं उतना नहीं जानता इसके बारे में, बट जितना लोगों से सुनने को मिलता है, जितना मैं जानता हूँ, कि या तो वो अपना जिम स्टार्ट करेगा, या वो ट्रेनर बनेगा, या फिर वो प्रोटीन बेचेगा। अगर वो अच्छा बॉडी बिल्डर है और उसकी पढ़ाई भी ठीक ठाक है तो जॉब मिलनी तो बहुत आसान है, जॉब तो गवर्नमेंट मिल जाएगी। करियर ऑप्शंस क्या क्या? और उसके बाद अगर वो जॉब करना नहीं चाहता, बहुत से लोग जॉब नहीं करते, पसंद नहीं है, तो ट्रेनर बन सकता है। और ट्रेनर के लिए आज के टाइम में कहीं भी बड़ी सिटी में जाएगा तो कोई भी ट्रेनर 2-3 लाख रुपए महीने से कम नहीं कमा रहा, क्योंकि एक ट्रेनर का मतलब है कोई भी कोई पर्सनल ट्रेनिंग देता है किसी को भी तो 15,000 रुपये से कम नहीं है, और कोई भी बंदे के पास 10 PT से कम नहीं होती। और अगर जिम खोलता है तो जिम में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आदमी इसमें टाइम लगाएगा, पैसा लगाएगा तो ऑप्शन नहीं है, इसमें बहुत ऑप्शन है। जॉब के करियर ऑप्शन क्या क्या है? जॉब के करियर तो यही है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट जॉब किस किस में मिल सकती है? सारे डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में जितने भी है, आपको रेलवे से लेके, सर्विसेज से लेके, आर्मी से लेके, और पुलिस में भी है, यूपी पुलिस में भी है, कोटा है, दिल्ली पुलिस में भी है, पंजाब पुलिस में, तो बहुत बॉडी बिल्डर लगे हुए हैं। गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट में इनका कोटा सब है, में कोटा बॉडी बिल्डर्स कोटा है, और स्पोर्ट्स कोटा जो होता है उसमें सब में कोटा है। और अभी भी फिलहाल जैसे अभी भर्ती निकली हुई है पुलिस की, उसमें तो स्पोर्ट्स कोटे में बॉडी बिल्डिंग का भी कोटा है, ऐसा ही के लिए भर्ती निकली हुई है। सर, बेस्ट एज क्या होनी चाहिए एक जिम स्टार्ट करने के लिए, क्या एज होनी चाहिए? ऐसा बोलते हैं कि जिम स्टार्ट करते हैं तो एज रुक जाती है, 20 से पहले नहीं करना चाहिए, 18 से पहले नहीं करना चाहिए, तो एक्चुअल एज क्या है अब जिम स्टार्ट करने की? स्टार्ट करने की एज तो आप 13 साल की उम्र से कर सकते हैं। देन ये है कि उस बच्चे की फिजिक कैसी है, उसकी हाइट वाइट ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और रही बात
एज नहीं रुकती, लोगों का एक मिथ है कि जिम ज्वाइन करने से हाइट रुक जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है। कोई से भी स्पोर्ट्स खेलने से हाइट कभी नहीं रुकती, ज्वाइंट्स खुलते हैं, हाइट बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं जिम करने से। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है इससे हाइट बढ़ने के चांस बढ़ते हैं, आदमी पुलअप्स करता है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता है तो उससे हाइट बढ़ने के चांस बढ़ते हैं। जिम करने से ना तो हाइट रुकती है और ना एज, और बल्कि जिम करने से जिन लोगों की एज 50 साल लगती थी उनकी 30 साल लगती है, क्योंकि ये तो फैक्ट है। बॉडी में पूरा शेप में आ जाती है, फैट घट जाता है, फेस लुक चेंज हो जाता है। काफी सारे जिम के फायदे होते हैं, काफी सारी बीमारियों को बहुत फायदे होते हैं। 13 की एज से हम स्टार्ट कर सकते हैं वर्कआउट करना। आपने बोला कि एज रुकती नहीं है, मतलब वो हाइट रुकती नहीं है, बट हाँ हाइट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि सारे जॉइंट्स ओपन हो जाते हैं। सो जिम करने के लिए वेट ट्रेनिंग जरूरी है, या क्योंकि फिट रहने के लिए तो कार्डियो भी हम कर सकते हैं, कार्डियो से भी हम फिट रह सकते हैं, तो वेट ट्रेनिंग करना कितना जरूरी है? जिम करना बहुत जरूरी है और वेट ट्रेनिंग करना ही सबसे बेस्ट है, कार्डियो कोई ऑप्शन नहीं है। कार्डियो से भी हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा हार्ट हमारा जो है वो ठीक काम करता रहे, कार्डियोवास्कुलर जो है वो हमारा सही रहे और हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ना हो। ये कार्डियो जो है एक नई जर्नी को पैदा हुई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि कार्डियो करने से आदमी फिट रहता है, कार्डियो नहीं होता कभी भी फिट होने के लिए वेट ट्रेनिंग बेस्ट है। क्योंकि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, मान लो कि आज हमने सुबह वर्कआउट किया, तो वर्कआउट करने के बाद 48-48 घंटे तक हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम फास्ट रहता है, और जबकि कार्डियो करने के बाद ओनली 1-2 घंटे 4 घंटे रहता है सिर्फ। वेट ट्रेनिंग इसलिए बेस्ट है, कार्डियो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो उन्हें शुरुआत में कार्डियो कराई जाती है कि उनके ज्वाइंट थोड़े से मजबूत हो जाएं और थोड़ा सा वो प्रिपेयर हो जाए जिम करने के लिए। बाकी कार्डियो का रोल कोई ऐसा खास नहीं है, 90s में कोई कार्डियो नहीं करता था, सब वेट ट्रेनिंग करते थे, और आज भी जितने भी बॉडी बिल्डर बड़े हैं वो 15-20 मिनट ट्रेडमिल चलाते हैं सिर्फ अपने हार्ट के लिए, बाकी इसमें कोई रोल नहीं है। लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि वार्म अप तो बहुत जरूरी है, जब भी आप वर्कआउट करने जाएंगे तो वार्म अप बहुत जरूरी है, लेकिन वार्म अप के साथ क्या करते हैं, कोई भी पार्ट की एक्सरसाइज उनको करनी है तो वो पुशअप से स्टार्ट करेंगे। पुशअप्स कंपलसरी है वार्म अप के अंदर, और ऐसा ट्रेनर्स भी बताते हैं कि भाई वार्म अप करो, वार्म अप में आप इतने पुशअप्स मार लो, और रेगुलर रूटीन होता है उनका पुशअप्स का। तो कितना सही है पुशअप्स डेली मारना? मतलब अगर आप चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो तो ठीक है। मैंने भी काफ़ी जगह देखा है कि पुशअप्स और पुलअप्स दो वर्कआउट ही बच्चों के रूटीन में रहते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें वर्कआउट का हिस्सा है। कि अगर हमें पुलअप्स करने हैं, अगर बैक करनी है तो हमें पुलअप्स करने हैं, और चेस्ट करनी है तो हमें पुशअप्स करने हैं। ये वार्म अप का हिस्सा नहीं है, वार्म अप का हिस्सा ये है कि आप जिम आए, सबसे पहले 5-10 मिनट ट्रेडमिल वॉक करें, उसके बाद उससे उतर के स्ट्रेचिंग करें, फिर उस मसल की स्ट्रेचिंग करें जिसको हमें वर्कआउट करना है, हल्का हल्का उसे वेट ट्रेनिंग करें पहले, जिस मसल को हमें करना है उस पर हल्का का लोड डालें, वार्म अप सेट लगाएं, ये तरीका है। बाकी ये पुशअप्स और पुलअप्स जो है ये वार्म अप का हिस्सा नहीं है, ये तो वर्कआउट का हिस्सा है। डेली अगर इस चीज़ को हम करते रहेंगे तो हमारा मसल जो है उसके यूज टू हो जाएगा, फिर जब हम उसके रिजल्ट पाएंगे और रिजल्ट हमें उससे नहीं मिलेंगे। कोई भी वर्कआउट हम रोज करते हैं तो उससे बॉडी हमारी यूज्ड हो जाती है, उसके रिजल्ट नहीं आते। फिर एग्जैक्ट वार्म अप कैसा होना चाहिए आप बताएंगे प्लीज? जैसे कि हमने बताया कि अभी पहले आप जिम पहुंचो, 5-10 मिनट साइकिलिंग करो या आप ट्रेडमिल करो, वॉक करो नॉर्मली, फिर आप वहां से उतर के स्ट्रेचिंग करो, फिर मान लो कि हमें चेस्ट करनी है तो आप पुशअप्स कर सकते हैं, और पुशअप नहीं करने तो कोई बात नहीं, जो बेंच आपको करनी है उसे बहुत लाइट वेट से, रॉड से, उसे 20-20 के अपने सेट करें, जब लगे कि हाँ पंप होने लगा, ब्लड हमारा फ्लो हो पहुंचने लगा, फिर हम वेट ट्रेनिंग शुरू करें। परफेक्ट। अब जैसे कि हमें चेस्ट करनी है तो चेस्ट करने में हमारे 3 मसल इंक्लूड रहते हैं, तो हमें तीनों को वार्म अप करना, चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स, इस तरीके से करना है। क्योंकि चेस्ट करने में भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि शोल्डर में इंजरी हो जाती है अगर वार्म अप नहीं होता तो। राइट राइट राइट। एक और मिथ है जो लोग, मिथ नहीं बोलूंगा, एक और रूटीन है जो लोग फॉलो करते हैं, लाइक हम भी स्टार्टिंग में करते थे, बट जब तक पता नहीं चला कि अगर मंडे मैंने चेस्ट की है तो नेक्स्ट मंडे भी मेरी चेस्ट होगी। वो फिक्स होता है पूरे 2-4 महीने, जब तक आपको पता नहीं चलेगा मंडे आपका चेस्ट है, फिर आपका बैक है, फिर
तो वो पूरे वीक और पूरे महीने वो हमेशा यही चलेगा, सैटरडे को आपको थाई करनी है। तो ये रूटीन फिक्स होना जरूरी है या आपको चेंज करते रहना चाहिए? वर्कआउट रूटीन जो होता है वो बंदे पे डिपेंड होता है, उसका गोल क्या है और उसके बॉडी पार्ट में कौन सा पार्ट वीक है, तो वो उसको कोच का काम है कि उसको रूटीन को बनाएगा। फिक्स नहीं है कि चेस्ट मंडे में लगानी है और लेग सैटरडे में लगानी है। लोग सैटरडे में इसलिए लेग्स लगाते हैं कि संडे में आराम मिल आराम जाएगा, मिल जाए, राइट। इसलिए ये करते हैं। मगर जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं वो मंडे से लेग स्टार्ट करते हैं, और डिपेंड फिर वही बात है, वही है कि गोल पे डिपेंड करता है, उसके मसल पे डिपेंड करता है, उसका कौन सा मसल पार्ट वीक है। जो मसल पार्ट वीक होता है फर्स्ट डे उसी करना चाहिए। किसी की लेग वीक है तो उस लेग्स करनी चाहिए, चेस्ट वीक है चेस्ट करनी चाहिए। यह है कि हाँ हफ्ते के पहले दिन जो है मंडे में बॉडी पार्ट्स बड़े होना चाहिए, चेस्ट हो बैक हो या लेग्स हो, ये बड़े बॉडी पार्ट्स हैं। तो एक्सरसाइज का तो कुछ समझ आ गया कि हाँ एक्सरसाइज का रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह हमें परफॉर्म करना चाहिए। अभी डाइट का क्या खेल है, डाइट किस तरह होनी चाहिए हमारी, जो प्रोटीन है प्रोटीन कितना लेना चाहिए, प्री वर्कआउट में क्या क्या, क्योंकि बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ लोग यूज़ करते हैं, कुछ गलत भी हो सकती हैं। तो एक्चुअल बेसिक और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या हम ले सकते हैं प्री वर्कआउट में, पोस्ट वर्कआउट में क्या ले सकते हैं, और टोटल मील्स क्या होने चाहिए हमारे पूरे दिन? डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है। वर्कआउट जिम में 1 घंटा और बाकी 23 घंटे जो है वो किचन में रहते हैं। मेन काम जो है वो डाइट का ही है। मसल रिकवरी भी उसी से होगी, फैट लॉस भी उसी से होगा, मसल बिल्डिंग भी उसी से होगी। और मील डिपेंड करता है उस सामने वाले बंदे पे कि उसे फैट लॉस करना है या गेनिंग पे कर रहा है, उसी हिसाब से उसका प्रोटीन और कार्बोफैट का इंटेक घटता बढ़ता रहता है, कोई फिक्स नहीं है फिक्स किसी नहीं का। होता। मगर यह है कि हाँ 1 ग्राम 1 पॉइंट पे तो फिक्स ही है, इससे कम तो कोई जाते नहीं है। और फिर डिपेंड करता है अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो 105-108 पॉइंट तक पहुंच जाता है। और कार्ब का इंटेक होता है उसकी डिपेंड कि उसका ऑफ सीजन चल रहा है या उसे फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है। और मील रहते हैं 6-7 भी रहते हैं, 6 भी रहते हैं। और पोस्ट वर्कआउट और प्री वर्कआउट ये मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर लोग काफ़ी सारे लोग ध्यान नहीं देते कि उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह उठे, मॉर्निंग में उठे, उन्हें उठते ही सीधे जिम चले गए और जाके वेट ट्रेनिंग का स्टार्ट कर दी, जबकि प्री वर्कआउट मील का बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके बगैर कभी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। खाली कार्डियो सेशन तो आप कर सकते हो खाली पेट, मगर वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते कभी भी। प्री वर्कआउट मील में जैसे आप ओट्स खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, पोटैटो खा सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, ब्राउन ब्रेड पीनट बटर खा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। और ज़्यादातर बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत शुरुआत में नहीं होती, वो जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है करते करते, उधर से कुछ चीज़ें कट होने लगती हैं, डाइट पे आने लगता है बंदा, तो फिर वहाँ सप्लीमेंट लगाने पड़ते हैं। अमीनो एसिड, ग्लूटामाइन, क्रिएटिन, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बाद में, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में सब बेसिक सारे जितनी मीलों से बेसिक चीज़ें रहनी चाहिए, प्रोटीन स्रोत की चीज़ें हों। अगर वो मान लो कि प्रोटीन पाउडर भी ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्स खाए जब भी कोई दिक्कत नहीं है, चिकन खाए जब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि प्रोटीन वर्कआउट के बाद प्रोटीन ही पीना है, प्रोटीन पीना है मकसद हमारा वर्कआउट के बाद सिर्फ ये होता है कि वर्कआउट के बाद हम इमिजिएटली रिकवरी के लिए हमें डाइट चाहिए, इसलिए हमें प्रोटीन पीना पड़ता है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म जल्दी रिकवर करती है बॉडी को। और मान लो हम चिकन खाए लगे तो टाइम लगेगा, 1.5-2 घंटे में जाके बॉडी में डाइजेस्ट होगा। प्रोटीन का यह है कि हम प्रोटीन पी रहे हैं 15-20 मिनट आधे घंटे में वो रिकवर कर देती है बॉडी। अदर टाइम पे आप चिकन खाओ, फिश खाओ, अंडे खाओ, पनीर खाओ, इस तरह से अपनी डाइट को प्रेपर करना होता है। मगर यही है कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। और आजकल एक नई चीज़ें चल रही हैं कि लोग जिम जाते हैं, कैसे बहुत से को फैट लॉस करना है तो उन्होंने क्या करा, सुबह से उठा कुछ नहीं खाया, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, शाम को जब जिम किया और उन्होंने फिर शाह तो खूब खाया, और फिर अपने कोच से कहते हैं कि हमारा तो वेट ही नहीं घट रहा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है। आपको सारे मील प्रेपर करने और सबको ही खाना है, बस रिप्लेस करना अपने मील को जो आपका कोच बताए कि आपको किस टाइम कितना क्या खाना है, क्वांटिटी प्लस जो भी चीज़ बताए। ये नहीं सारा दिन भूखा रह के शाम में ही पूरा इकट्ठा खा ले, क्योंकि बॉडी को जितना डाइजेस्ट करना है
उतना ही करना होता है। अब पूरे दिन का एक साथ रेस्ट नहीं कर पाएगी तो बाकी में वो फैट में कन्वर्ट होगी या आपका फिर मल बनेगा। डाइट के अंदर जो चीज़ हम मेंशन करते हैं कुछ टाइम हम इंक्लूड कर देते हैं कि क्रेटीन हो गया वर्कआउट के टाइम पे, क्रेटीन, BCAA, इनके क्या साइड इफेक्ट्स हैं? ये बहुत ज़रूरी है लेने, या इनके लिए बिना भी काम चल सकता, हम बॉडी पे वर्कआउट कर सकते हैं अच्छे से? मैंने आपको ये बताया है कि सब चीज़ें जो है वो शुरुआत में ज़रूरी नहीं है, शुरुआत में कुछ नहीं करना है, शुरुआत में तो फिर आप वर्कआउट करो और अपना डाइट चार्ट बनवाओ बेसिक वाला, कि भी सप्लीमेंट अभी यूज़ नहीं करना हमें, अभी फ़िलहाल हमें बेसिक डाइट यूज़ करनी है। जब आपको 2-3 महीने हो जाए उसके बाद आप क्रिएटिन यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिन एक सेफ सप्लीमेंट है और BCAA भी एक सेफ सप्लीमेंट है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसके लिए जाते हैं? BCAA जो है ब्रांच चेन अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्रोटीन का भी, प्रोटीन का ही एक दूसरा नाम है जिससे प्रोटीन बनता है। ये अमीनो एसिड भी हमारे मसल को डेवलप करने के लिए और मसल में ब्रेक डाउन जो होते हैं जब वर्कआउट करते हैं तो ब्रेक डाउन होता है उसको रोकता है, और क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी में खुद ही बनता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और लीन मसल मास बढ़ाता है। BCAA और क्रिएटिन कितना ज़रूरी है, ठीक है वो आपने बता दिया, लेकिन कैसे पहचान करें? क्योंकि मार्केट में तो सभी तरह के BCAA और क्रिएटिन आपको मिल जाएंगे, अलग अलग कंपनी जो प्रोवाइड करती हैं, तो एक बंदा कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये ठीक है, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा मेरी बॉडी पे, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो कैसे पहचान कर सकते हैं? भी सप्लीमेंट का, क्रिएटिन हो या BCAA का, साइड इफेक्ट कोई नहीं होता और पहचान की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया में तो बनती नहीं है, ये सब बाहर से आती हैं। जितनी भी कंपनी इंडिया में भी हैं वो बाहर से रॉ मंगाती हैं और रॉ मंगा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर देती है, अपना नाम लगा देती है, चीज़ें सारी बाहर से आ रही हैं, वो उसमें क्या होता है रेशो चेंज कर देती हैं, कहीं जेन्युइन लिखा हुआ है कहीं जेन्युइन लिखा हुआ है। अब ये आपको देखना है कि आप कौन सी कंपनी को देख लो, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, या कोई बाहर की कंपनी देख लो, कि जो आपका कोच है, जो आपको कोच आपको कर रहा है बोलो, आप अपना आप से ऑनलाइन ना मंगाएं, ऑनलाइन में ज़्यादा मामला है, ऑनलाइन में ज़्यादा फेक हो रहा है, सप्लीमेंट भी फेक आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी ऑनलाइन में ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ आदमी क्या करता है, कोच से पूछा उनने और वही नाम डाला उनने और मंगा लिया, अब वो पता नहीं जेन्युइन है या नहीं है, वहाँ ज़्यादा दिक्कत आ रही है। काफ़ी चीज़ें भी, मेरे एक स्टूडेंट ने एक सप्लीमेंट मंगाया अभी अच्छी कंपनी का, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड का, जब उसने मंगाया उसने मुझे दिखाया और जब मैंने खोल के उसे खाया तो फेक था, फिर उन्होंने उसे रिटर्न डाला, उसका रिटर्न नहीं हुआ, अब बोले सर क्या करूँ, मैं नाली बहा दे भाई साहब, अब क्या कर सकते हैं, खाना सही नहीं होगा, नहीं उसे नहीं पता ना। ठीक है, BCAA और क्रिएटिन तो समझ आ गया, लेकिन प्रोटीन की कैसे पहचान होगी? मान लो अगर प्रोटीन हमें चाहिए खाना है तो हम कोच से बात करेंगे, या फिर कोच भी या जिम में वो स्टार्ट करते हैं, ये जिम से बेचना स्टार्ट करते हैं कोचेस कि ये प्रोटीन है आप ये लो, तो वो लेना सही है, या अपनी सब अपने इंसान को तो उतनी नॉलेज है ही नहीं कि मुझे प्रोटीन कौन सा खाना चाहिए, बट आप क्या सजेस्ट करोगे कि ये वाला बेस्ट है या इस तरह का प्रोटीन लो? प्रोटीन तो जरूरी है, मेन जो है मसल बिल्डिंग का प्रोसीजर ही प्रोटीन से स्टार्ट होता है, अपने आप से तो लेना नहीं चाहिए, बिना कोच के प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, जो कोच रेफर करे आप वही लो। और कोच की बात यह है कि कोच जब आपका सही होगा तो आपको सही बात बताएगा, अब ये आपका काम है कि कोच को सही ढूंढना, चॉइस करना कोच की, ये आपका काम है। सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एब्स चाहिए तो एब्स विजिबल कराने के लिए आपका बॉडी फैट परसेंटेज 10 या 10 से कम होना चाहिए, तभी आपके एब्स विजिबल होंगे, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू कन्वे करते हैं कि 5 वीक्स के अंदर, 3 महीने के अंदर आपको एब्स हम बनवा देंगे, ये कहाँ तक सही है, इज इट पॉसिबल और नॉट? ये बात तो खैर ठीक है कि बॉडी का फैट जितना कम होगा एब्स विजिबल होने में आसानी रहती है, ठीक है, और जिसका बॉडी फैट ही बहुत ज़्यादा है, मान लो किसी का 30% बॉडी फैट है, तो कोई भी बंदा उसको 5 वीक में 6 वीक में 8 वीक में 12 वीक में एब्स नहीं निकाल सकता, और सिर्फ सोशल मीडिया टू बेवकूफ़ बना रहा है अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, ये सारी बातें कर रहा है, और एब्स निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, जब आदमी वर्कआउट करता रहता है और अपनी डाइट पर ध्यान रहता है तो 2-4-6 महीने में एब्स आ ही जाते हैं। ये एब्स भी बॉडी के मसल ही हैं, ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये भी हमारे मसल ही होते हैं,
विजिबल हो जाती है, जितने हमारी स्किन का फैट कम होता रहेगा, स्किन और मांस के बीच में जितना ही फैट होता है घटता रहता है, ये विजिबल होते रहते हैं। और ये जो लोग दावा करते हैं कि हम 4 वीक में, 6 वीक में, 8 वीक में, ये सब गलत है, ये गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, लोग मिसगाइड कर रहा है। बहुत से तो 3 3 महीने में बॉडी बनवा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, 3 महीने में बॉडी बनवा देंगे, ये सब गलत रास्ते पे जा रहा है। इसका अंजाम आखिर जो है वो अच्छा नहीं है, खराब है। अच्छा, ऐसा भी है कि अब जिम करोगे, वर्कआउट करोगे तो ही आपको प्रोटीन लेना, या आपको डेली लाइफ में भी प्रोटीन की बहुत जरूरत? प्रोटीन की जरूरत हमें डेली लाइफ में भी है, और इस और लोग डेली लाइफ में प्रोटीन खाते ही हैं, मगर लोगों को पता नहीं कि हम प्रोटीन खा रहे हैं। अगर कोई अपने ब्रेकफास्ट में रोज 3 4 अंडों का, एग वाइट का ऑमलेट खा रहा है, और लंच डिनर में चिकन खा रहा है, वो तो प्रोटीन तो खा रहा है वो, मगर वो कहता है प्रोटीन नहीं खा रहा, मगर उसे ये पता नहीं है कि वो जो खाना खा रहा है उसमें भी प्रोटीन ही है वो। तो जैसे वर्कआउट करने के लिए हमें प्रोटीन खाना है, ऐसे ही लाइफ में अपने गुजारने के लिए, दिनचर्या करने के लिए, अपने बॉडी को फिट रखने के लिए वो प्रोटीन की चीज़ें खानी ज़रूरी है। लोगों ने तो प्रोटीन को एक गलत धारणा से ले लिया है कि प्रोटीन नहीं खाना। उसे ये नहीं पता है कि जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, वो जो दूध पी रहा है डिब्बे का, उसी से तो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन स्रोत जो है वो दूध से तो बनता है, दूध पाउडर का प्रोटीन बनता है, बच्चा पैदा होते पी रहा है वो। तो लोगों ने धारणा गलत कर दी। हमारा लोगों को अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो मिथ पे जाया जा रहा है कि प्रोटीन खा रहा है, प्रोटीन वाली बॉडी बन रही है, डिब्बे वाली बॉडी बन रही है। उसे ये नहीं पता उस डिब्बे वाली बॉडी के पीछे उसे कितना हार्ड वर्क है, कितना डिसिप्लिन है। सुबह उठता है और शाम तक वो डिसिप्लिन में रहता है कि उसको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। और उसने अगर एक प्रोटीन शेक पी लिया तो उसकी बॉडी डिब्बे वाली हो गई, और जबकि उनने दिन भर अंडे भी खाए हैं, चिकन भी खाया है, फिश भी खाई है, हार्ड ट्रेनिंग भी करी है, और दुनिया भर की चीज़ें उन्हें अवॉइड करी हैं। उन्हें समोसा नहीं खाया, पकौड़ी नहीं खाई, जलेबी नहीं खाई। तो लोगों की मिथ जो है वो बहुत ख़राब है, सोच बहुत ख़राब है। 40+ लोग हैं, 40 45, जो वर्कआउट नहीं करते, जो फिटनेस में नहीं है ना, उनको क्या लगता है कि टहल लेना या थोड़ा वॉक कर लेना ही एक एक्टिवनेस की एक डेफिनेशन है उस एज में जाकर के? तो उनके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है? अगर जरूरी है तो किस तरह की एक्सरसाइज वो कर सकते हैं एक टहलने से अलग? जो भी लोग 40+ हो गए हैं, अब मान लो जैसे हम 40+ हो गए हैं, ठीक है, आपकी तो बात ही अलग है। नहीं नहीं जैसे मान लो एक बार, और जो लोग कभी जिम नहीं किया और वो 40+ हो गए हैं, तो क्या होता है कि 40+ के बाद खुद ही मसल लॉस होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के शोल्डर छोटे हो जाते हैं, आर्म छोटे हो जाते हैं, जिम नहीं करा उन्हें वैसे खुद ही कम हो जाता है, मसल मास खुद भी खुद ही घटता रहता है। अगर 40+ के बाद वो जिम ज्वाइन करेंगे तो वो उनका मास जो है वो मेंटेन रहेगा, बॉडी शेप में रहेगी, और जो उनका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो फास्ट हो जाएगा, जिसे वो खाएंगे फिर अच्छा सा, और फिर अच्छे लगेंगे वो। और ये वॉक करना, ये कार्डियो करना, ये तो सिर्फ ये है कि आदमी को कुछ नहीं करना, चलो भी ये कर लो, मगर जिम करने से काफ़ी सारे फायदे होंगे। स्किन की क्वालिटी बढ़ती है, बॉडी में शेप आता है, और सबसे बड़ी बात क्या है, अपने आप में आदमी जो है स्ट्रांग महसूस करता। जिम करने से आदमी में स्ट्रांग महसूस करता है, और माइंड भी उसका स्ट्रांग होता है, मसल माइंड कनेक्शन हो जाता है, और अपना स्ट्रांगनेस महसूस करता है कि मेरे अंदर ताकत है, वेट उठा रहा है, और वेट जब उठाएगा तो उसमें इंक्रीज करता रहता है, बढ़ता रहता है धीरे धीरे करके। और जब जिम करता है तो फिर अपने खाने पीने भी ध्यान रखता है, दिनचर्या भी अच्छी रहता है, आपका ब्लड जो है वो फास्ट रहेगा पूरे दिन, और आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा फील होता है। जिम करने वाले हमेशा फिट भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं। सर, अभी एक बहुत क्रिटिकल इश्यू चल रहा है जिस पे हम बात करेंगे, हार्ट अटैक्स का। हार्ट अटैक पहले भी बहुत ज्यादा होते थे, बट अभी क्या है, रिसेंट में कुछ सालों में ना हार्ट अटैक्स का रेट बहुत बढ़ गया। कभी भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, और जिम को भी उसका जिम्मेदार बताया जाता है कि जिम में ज्यादातर आ रहे हैं, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ये जिम को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है या फिर ये फैक्ट है? हार्ट अटैक आना तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो जब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा बॉडी में, और ख़ास करके ठंड के मौसम में, तो ब्लड जो है वो आपका स्लो हो जाता, आपका जो ब्लड है वो हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, उसी वजह से हार्ट अटैक हो जाते हैं। और जिम में हार्ट अटैक किसी को आ रहा है तो वो ऐसा होता है कि जिम को तो बदनाम किया जाता है कि
पता चला कि उसको कोई इशू पहले से ही है, उसने वो बात आन के अपने ट्रेनर को नहीं बताई। मान लो कि उसे हार्ट की प्रॉब्लम पहले से ही है, उसने जिम ज्वाइन कर लिया, अब उसके ट्रेनर ने कहा भाई तुम ट्रेडमिल चलाओ, अब वो ट्रेडमिल चला चला तो उनने उसकी स्पीड बढ़ा दी, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ने से उसकी उसे कंट्रोल नहीं हो पाया, उसे हार्ट अटैक हो गया। अब इश्यूज तो उसे पहले से ही हैं, मगर उन्होंने ट्रेनर को नहीं बताया इनके, अब वो हाँ उसको हार्ट अटैक हो गया, जिम बदनाम हो गया। तो जो भी आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो पहले जिम ज्वाइन करते वक्त अपने ट्रेनर को बता दे कि मुझे ये परेशानी है, जिसके अकॉर्डिंग जिम उसका जो ट्रेनर है उसको सब चीज़ें कराए, उसे बताए कि ऐसे करना है ऐसे नहीं करना। तो ये जिम ज्वाइन करते वक्त अपने ट्रेनर को बताना बहुत ज़रूरी है। और ये हार्ट अटैक की होने की सबसे ज़्यादा जो है, ये एक तो कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोगों की इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। दूसरा, जब से मार्केट के अंदर पाम ऑयल और रिफाइंड आया है, जब से ज़्यादा हार्ट अटैक लोगों, आप थोड़ा सा 10 साल पीछे जाओ, जब लोग सिर्फ डालडा घी खाते थे, देसी खाते थे, ना वह रिफाइंड था और नहीं कुछ था, जब से रिफाइंड मार्केट में आया है जब से हार्ट अटैक लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है। अब लोग क्या होता है कि ज्यादातर खाना मार्केट का खाते हैं, आजकल मार्केट का खाना खाना एक फैशन सा बन गया है, पहले लोग इसको बुरा मानते थे, अब ऑयल के चक्कर में क्या करते हैं वो लोग, पाम ऑयल मिला रहा है क्योंकि वो सस्ता आता बहुत, वो आ रहा है 50-60 रुपए किलो, और सरसों का तेल या रिफाइंड आ रहा है 200 रुपए किलो, तो वहाँ पैसे बचाने के चक्कर में वो उसमें मिक्स कर रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्लड जो है बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, और ख़ास करके इस मौसम में तो करता ही नहीं है जब तक आपकी बॉडी में कोई एक्टिविटीज ना हो, ऊपर से फिर वो खाना खा रहा है। आजकल की फैशन हो गया है कि शाम में खाना बाहर ही खाना है, और पहले जबकि लोग इस बात को बुरा मानते थे कि होटल पर खाना खा रहा है कितनी बुरी बात है, घर पर खाना नहीं खा रहा, और आजकल जो है वो फैशन हो गया है। फैशन, राइट। इस वजह से ये हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसी वजह से लोगों को बीपी बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, कि वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले स्पाइसी खाने होते हैं। तो ये सारी परेशानी जो है जिम को तो वैसे बदनाम किया, जिम में तो आदमी आने के बाद सिर्फ हेल्दी हो सकता है, अनहेल्दी कभी नहीं हो सकता। अनहेल्दी अगर आएगा वो भी हेल्दी हो जाएगा, मगर वो सुपरविजन ट्रेनर के रहे, बताए कि मुझे ये दिक्कतें हैं, तो उसी का अकॉर्डिंग उसका ट्रेनर उसको ट्रेन करेगा। अगर वो बताएगा नहीं तो उससे तो कोई पता ही चलेगा क्या सही परेशानी बात, अंदर उनकी क्या क्या बात बात है, है। तो राइट राइट। ये सारी परेशानी जो है वो न बताने की वजह है और हमारे खान पान की वजह है। सो रिफाइंड और पाम ऑयल डालडा से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि डालडा पहले यूज करते थे उतनी कभी प्रॉब्लम्स हुई नहीं, बट फिर भी डालडा को गलत बोलते थे कि डालडा नहीं यूज करना चाहिए, या तो देसी घी यूज करो या फिर सरसों का तेल। डालडा को गलत ये बोलते थे पहले लोग, क्योंकि जब लोग देसी घी खाते थे तो उन्हें डालडा बुरा लगता। अब डालडा के बाद जब ये नई जर्नी आ गई, रिफाइंड आ गया, तो लोगों ने सोचा ये डालडा से बेहतर है, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि इसके अंजाम क्या होने हैं। अब इसके अंजाम अब दिख रहा है लोगों को, कि अब जो है सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाली चीज़ वो रिफाइंड ही है, सारी ये मशीनरी बन के आ रहा है, इसमें क्या क्या मिला रहा है केमिकल कुछ नहीं पता, कोई इस पे गवर्नमेंट कोई इस पे एक्शन नहीं उठाती, कोई इसकी जांच नहीं होती। जैसे आपका दुकानों पर आन के फूड इंस्पेक्टर जांच करते हैं, उसकी कोई जांच नहीं हो रही, ना जो खाने बन रहे हैं होटलों पे वहाँ कोई जांच हो रही, क्या क्या मिला रहे हैं ये, कौन सा ऑयल मिला रहा है। तो डालडा अब भी बेस्ट है उसके मुकाबले, देसी घी तो है ही बेस्ट, मगर डालडा इन चीज़ों से सबसे बेस्ट, रिफाइंड छोड़ देना चाहिए खाना। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। आप रिफाइंड बिल्कुल छोड़ दो, आप डालडा की खाओ या देसी की खाओ। एक बहुत बड़ी चीज है बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्टेरॉइड्स, जिसको सबसे बड़ा कारण माना जाता है हर चीज का। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स, जहां भी सुनोगे ये स्टेरॉइड्स की बॉडी है या स्टेरॉइड से ही सारी चीजें की हैं, किसी की अगर तबीयत खराब है, किसी को हार्ट अटैक हो गया, कि स्टेरॉइड की वजह है। तो एस्टेरॉइड सही में एक पॉइजन है, जहर है, ये कितना सही है लेना? आपने सही कहा, एक एनाबोलिक स्टेरॉइड जो मसल बिल्डिंग के काम आता है, ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए बना है, और कुछ ये मेडिकल इश्यूज में भी काम आता है, जो डॉक्टर इसे सबकेशन करते हैं मरीजों के लिए भी, मगर ये बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हो गया और ज़्यादा यूज ही होने लगा, कि अब क्या है कि वो 3 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन कोच दे रहा है बच्चे को, 3 महीने ट्रांसफॉर्मेशन,
जबकि वो ट्रांसफॉर्मेशन बिना स्टेरॉइड के भी उसको हो सकती है, 3 की जगह 6 महीने लग सकते हैं मगर हो सकती है। स्टेरॉइड तो सिर्फ उन लोगों को यूज़ करने के लिए बेहतर है जो लोग प्रोफेशनल हैं, जिनको ये प्रोफेशनल ही बनाना है, अपना कंप्लीट करना है, उनको तो मजबूरी है करना, क्योंकि अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वहाँ कंपटीशन मार जाएंगे। क्या तो ये पूरी तरह से बैंड हो जाए कि कोई यूज़ ही ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो फिर प्रोफेशनल लोगों के लिए यूज़ करना ज़रूरी है, और आम लोगों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिट रहने के लिए डाइट आपकी, आपके बहुत सप्लीमेंट आ रहा है काफ़ी सारे, कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी भी बन जाएगी फूड सप्लीमेंट लेने के बाद, नेचुरल बॉडी बनती है, थोड़ा टाइम लगता है, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, ये शॉर्टकट रास्ता है, लोग आजकल शॉर्टकट रास्ता अपना रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि अब मान लो मैं जिम में गया, जिम में जाके बोला कि ऐसा है सर मुझे 6 महीने बॉडी बनानी है अपनी, उन्होंने चल ठीक है भाई 6 महीने बॉडी बन जाएगी तुम्हारी, 3 लाख रुपये खर्च होंगे। मैंने जी ठीक है 3 लाख रुपये दूंगा, अब 6 महीने बनवा दो। अब वो 6 महीने बॉडी जो बनवा रहा है, जो मेरी बॉडी में स्टेरॉइड डाल रहा है, अब मेरी बॉडी को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, उनने मेरी बॉडी बनवा दी, मगर जो इंटरनल प्रॉब्लम मुझे हुई है उसके जिम्मेदार वो कोच नहीं है, उसके जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने उसे शॉर्ट टाइम दिया। आप जाओ जिम में, आप उससे कहो टाइम का कोई इशू नहीं है सर, आप मेरी बॉडी बनवा दीजिए, साल लगे 2 साल लगे, कोई भी डाइट में यूज़ कर लूँगा, सारे वर्कआउट यूज़ करूँगा, सारी डाइट यूज़ करूँगा, सप्लीमेंट यूज़ करूँगा, नेचुरल बनवा दीजिए आप मेरी, और मुझे कंप्लीट नहीं करना, मुझे फिट रहना बस। स्टेरॉइड तो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कॉम्पिटिशन खेलने हैं, इंटरनेशनल नेशनल खेलने हैं, उन लोगों के लिए। अब जो बच्चे जैसे मान लो उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, जर्नी स्टार्ट करने के बाद उन्हें चैम्पियनशिप खेलनी है, तो जब चैम्पियनशिप खेली जाती है तो पहले छोटे स्टेट से स्टार्ट किया जाता, तो वहाँ उसे स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। अभी 1-2 साल हो डाइट से, अपने वर्कआउट से ही कंप्लीट करें, क्योंकि हर चीज़ की एक पुश करने की टाइमिंग होती है। अब जैसे मान लो हमें नेचुरल डाइट से पुश करना है, उससे मसल बढ़ना है, वो उससे बढ़ जाएगा, पता चला कि हमने नेचुरल स्टार्ट नहीं किया, हमने स्टेरॉइड बॉडी में डाल लिया, नेचुरल हमारा बंद हो गया, जो हमारा नेचुरली बढ़ना था वो नहीं बढ़ा, अब जो बढ़ा हमारा स्टेरॉइड से बढ़ा। तो पहले क्या है कि हमें नेचुरल बढ़ाना चाहिए हर चीज़, उसकी एक लिमिट होती है, जब लगे कि हाँ भाई 6 महीने साल भर हो गया, अब हमारा पुश नहीं हो रहा, फिर वो आप अच्छे सुपरविजन में अच्छे डॉक्टर के अच्छे ट्रेनर के फिर आप यूज़ कर सकते हो, मगर वही यूज़ करें जिन्हें कंप्लीट करना है, आगे आगे जाना बहुत, अन्यथा वेट ना करें, कोई भी ज़रूरत नहीं है फिट रहने के लिए, बिल्कुल भी फिट रहने के लिए आप सप्लीमेंट यूज़ करें, डाइट यूज़ करें, आपको उसमें 6 पैक भी बन जाएंगे, आपके मसल भी बन जाएंगे, आर्म्स भी बन जाएंगे, सब बन जाएगा। ये स्टेरॉइड का इशू तो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि ये लोगों ने मजबूर कर दिया है 3 महीने 4 महीने और 6 महीने की बॉडी बनाने के चक्कर में। कोच भी क्या करे, जब वो जिम में जाएगा वो आपसे नहीं लेगा, दूसरी से लेगा। सर टीम से किसी का एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जैसे कि अभी आपने बोला कि जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं प्रोफेशनली, सिर्फ उन लोगों को ही स्टेरॉइड लेना चाहिए, या विदाउट स्टेरॉइड आप नहीं कंप्लीट कर सकते? हाँ बट ऐसा क्यों, मतलब अगर जो नेचुरल भी अगर हम करना चाहे उसमें टाइम लगेगा, बट उसमें भी हो सकता है। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा है कि मान लो कि आप कंप्लीट कर रहे हैं और जिस स्टेट पे आप कंप्लीट कर रहे हैं वो बड़ा स्टेट है, तो वहाँ पर क्या है, जो भी बंदे हमारे कंप्लीट कर रहे हैं वो स्टेरॉइड ले हुए खड़े हैं, तो उतने बड़े आप उनके सामने दिखोगे नहीं। क्या तो आप उस स्टेट पर खड़े हो जहाँ नेचुरल बंदे खड़े हैं, तो वहाँ तो आप सही लगेंगे, और जहाँ आप कंप्लीट कर रहे हैं वो स्टेरॉइड बंदे अगर खड़े हैं सारे, तो वहाँ उनके सामने आप बहुत छोटे लगोगे, तो वहाँ आप कभी जीत नहीं पाओगे। सर मैंने भी खेला है, लाइक 5 शोज खेले मैंने, ठीक है। उसमें मैंने मिस्टर दिल्ली 2023 में खेला था, जनवरी में था वो, ठीक है, 23rd January। तो मैं पिछले 2 साल से वर्कआउट कर रहा हूँ और मैंने स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया, और मैंने IBBF का चैम्पियनशिप खेला 60 kg कैटेगरी में, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेरॉइड लेके भी बच्चे आए थे, जूनियर में खेला था मैंने, तो उसमें मेरा सेकंड प्लेस लगा था। अच्छी बात है। हाँ, तो
जो थर्ड आया, जो फोर्थ आया, तो उन्होंने भी स्टेरॉइड लिया, बट उसमें से मैं नेचुरली मैं सेकेंड प्लेस आया। मेरा वीक पॉइंट ये था, मेरा लेग्स मेरा वीक पॉइंट था, हाँ, तो वरना मैं फर्स्ट आ जाता। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मैं नेचुरली कंप्लीट कर पा रहा हूँ विदाउट स्टेरॉइड, हाँ, तो बस उसमें टाइम लगता है। मुझे 2 साल लगा, उनको शायद 2 महीना या 3 महीना लगा होगा। नहीं, आप अगर नेचुरली कंप्लीट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है। आपकी बॉडी टाइप हार्ड लुक अगर है, जो आपके खाने से आपको फैट नहीं बढ़ रहा बॉडी में, आपकी आपके मसल डेवलप कर रहे हैं, तो जहाँ तक कर रहा है अच्छी बात है। जहाँ तक भी आपका नेचुरल काम कर रहा है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो जरूरी नहीं है स्टेरॉइड लेना, मगर जब आप आगे जाएंगे, दिल्ली से आगे जाएंगे, इंडिया खेलने जाएंगे, तो वहाँ आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वहाँ टाइम का इशू भी बढ़ हाँ, जाएगा। तो शायद अगर मैं 5 साल या 6 साल लेके चलूँ कि मैं 5 साल बाद मिस्टर इंडिया खेलूंगा, बट मैं नेचुरली खेलूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, वो आपका एम अच्छी बात है, आप करो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है 5 साल। मगर क्या है कि जो मिस्टर इंडिया कंप्लीट करने आ रहे हैं, तो पिछले 20 साल से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जो 20 साल से कंप्लीट कर रहा है, तो वो नेचुरल नहीं है 20 साल से, हाँ, वो 20 साल से स्टेरॉइड पे। तो वो इतने बड़े मास मॉन्स्टर हैं कि वह नेचुरली वहाँ पहुँच ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ लो, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ओके, मगर यह है कि आपके अच्छी बात है कि आप नेचुरल कर रहे हो, ये अच्छी बात है। नेचुरल जो स्टेट होते हैं वहाँ आप कंप्लीट करो, जो नेचुरल का अलग होता है, नेचुरल होते हैं तो वहाँ आप कंप्लीट करो। ये तो खैर ठीक बात है कि हार्मफुल होते हैं और ये इंटरनल नुकसान तो करते ही हैं, मगर क्या है कि जब आपका सुपरविजन अच्छा है, कोच जो सुपरविजन दे रहा है आपको कराने का, जो उसे बहुत नॉलेज है, जो खुद कंप्लीट कर चुका है और अच्छी गाइडेंस रखता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेशनल सारे बॉडी बिल्डर जितने भी होते हैं सब स्टेरॉइड ही लेते हैं और सब ठीक रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो आज तक फिट हैं। हमारे यहाँ एक बॉडी बिल्डर रहे हैं USA के अंदर, जैसे अर्नोल्ड ही हैं, आज तक फिट हैं। ली हैनी है, जो 8 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, बिल्कुल फिट हैं। अब किसी के साथ कोई चोट लग सकती है, कुछ वो तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ये कंडीशन तो नहीं है कि जिम करना छोड़ दिया और एस्ट्रॉइड लिया होगा। जिम करना छोड़ने की कंडीशन जब आती है, जब कोई उसे इतनी बड़ी इंजरीज हो जाए, जब वो खड़ा ना हो पाए, चल ना पाए, और उस केस में उसने बहुत सारा एस्ट्रॉइड लिया हो। नहीं, स्टेरॉइड लेने से मतलब नहीं है, स्टेरॉइड लेने से इंजरीज नहीं होती। स्टेरॉइड लेने के बाद, छोड़ने के बाद इंजरीज होती हैं। जब आदमी स्टेरॉइड लेता है, जब तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है, मगर क्या होता है, उसका माइंड सेट वही हो जाता है कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ। मगर जब उसका एक साइकिलिंग सिस्टम होता है, जब वो ख़त्म होता है, जब बॉडी से वो रिमूव होता है, निकलता है, तो उसका माइंड सेट उसी वेट पर रहता है कि मैं तो 250 किलो ही उठाऊंगा, यही उठाता था मैं, वहाँ चोट खा जाता, क्योंकि फिर उसके ज्वाइंट जो है वो इस काबिल नहीं होते कि 250 किलो उठाए। फिर क्या होता है, उसे फिर उसको 50% ड्रॉप कर देना चाहिए, जो वे उठाता है वहाँ से ड्रॉप कर देना चाहिए, हल्के हल्के उसको अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। और काफ़ी सारी साइकिलिंग होती हैं जो उसे यूज़ करनी चाहिए, इससे फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जो मैंने कहा जो सुपरविजन में है सारे। बॉडी वॉश का क्या सीन है? बॉडी वॉश करा सकते हैं उसके बाद के स्टेरॉइड लिया है तो बॉडी वॉश करना जरूरी है? अगर होती है तो किस तरह होती है? बॉडी वॉश क्या है, इसे PCT कहते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी बोलते हैं इसे। इसमें करना ये होता है जरूरी कि जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स होते हैं उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए, और अगर आप रिकवर नहीं करते हैं तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। और वो खुद ही वैसे अगर जो लोग नहीं करते, तो 100 दिन के अंदर अंदर जो भी हम स्टेरॉइड लेते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर हमारी बॉडी से खुद वॉश हो जाता है। क्योंकि हर दवाई, हर मेडिसिन की हाफ लाइफ होती है कि इतने दिन के बाद बॉडी से खुद निकल जाती है। वो तो जो स्टेरॉइड लिया है आपने, वो बॉडी से खुद निकल ही जाएगा, वो नहीं रोक पाओगे आप। बस मेन क्या है, जो आपके हारमोन्स जो नेचुरली बनने हैं उनको दोबारा से रिकवर करने के लिए PCT साइकिल करते हैं। ये PCT साइकिल का ये मतलब नहीं होता कि जो आप जो स्टेरॉइड है वो निकालना है आपको, वो तो खुद निकल ही जाएगा, उसे नहीं रोक पाओगे। वो तो मान लो किसी की हाफ लाइफ 15 दिन है, किसी की हाफ लाइफ 1 महीना है, किसी की 2 महीना है,
वो तो बॉडी से खुद वॉश हो ही जाएगा अपने। मैं नहीं, जो आपके हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं, आपकी जो किडनी है उसको सही करने के लिए ये सब थेरेपी की जाती है। ये 45 दिन, कोई 30 दिन करता है, कोई 45 दिन करता है, कोई 60 दिन करता है, वो हर किसी का अलग है, वो जरूरी ही करना। सप्लीमेंट्स और एस्ट्रॉइड या कोई भी सप्लीमेंट लेने के बाद जब भी हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कुछ होते हैं, कुछ फर्क पड़ता है? किसी भी सप्लीमेंट के सेक्स लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेरॉइड में जितने भी नुकसान हैं उसमें एक हिस्सा ये भी पार्ट है सेक्स लाइफ का भी। नुकसान होता है उससे? हाँ, उसमें आपके जैसे किसी के बहुत सो के हेयर रिमूव हो जाते हैं, बाल झड़ते हैं, बहुत से की स्किन पे एक्ने हो जाते हैं, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, और किसी को सेक्स प्रॉब्लम हो जाती है। कोई सेक्स प्रॉब्लम होने की वजह या कोई भी और होने की वजह यही होती है कि उसको पीसीटी करनी जरूरी है। जब वो अपनी पीसीटी कर लेगा तो थेरेपी करने के बाद ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। बाकी किसी भी सप्लीमेंट करने से, खाने से, चाहे आप प्रोटीन खा रहे हो या बीसी ले रहे हो या क्रेटीन ले रहे हो या कोई मल्टी विटामिन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उससे सेक्स लाइफ से कोई कोई नुकसान नहीं, एस्ट्रॉइड से पड़ता है। बस स्ट्रॉइड से होता है। मास्टरबेशन के बारे में लोग बहुत क्यूरियस होते हैं जानने का, कितना सही है कितना गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये गलत है, ये तो अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप। क्योंकि जब हमारी बॉडी में जब वो एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो खुद ही हमें नाइट फाइल की फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। और मास्टरबेशन करने के लिए करता है जो भी आदमी, तो वो तो उसके वो करने से वो ये समझ लो आप कि जैसे कि उसने 3 बार सेक्स कर लिया, इतनी ताकत उसकी बॉडी से निकल जाती है। 3 बार सेक्स करने के बाद भी इतनी बॉडी की ताकत नहीं निकलेगी जितनी 1 बार मास्टरबेशन करने से होगी। ये सोशल मीडिया पे गलत बिल्कुल धारणा है कि करना चाहिए, ये हमारी यंग पीढ़ी को गलत रास्ते पर जाने का काम है बहुत ज्यादा। क्योंकि 40 ब्लड की गूंद से एक गूंद वीर्य की बनती है। 40 ड्रॉप से, ब्लड के चालीस 40 ड्रॉप से? जी एक बूंद ड्रॉप से, 40 बूंदों से एक ड्रॉप बनती है वीर्य की, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत ज्यादा गलत है, ये हमारी पीढ़ी के लिए गलत रास्ते पर लेके जा रहा है। इसको एक ऐसा बात कर दी जैसे आम बात कर दी कि आप करो कुछ नहीं है आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ये तो बहुत ज्यादा मामला खराब है, सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाली बात। कोई भी आदमी, जो आदमी अपने कहते हैं लंगोट का पक्का होगा वही बलवान होता है, और जब लंगोट के पक्का ना होगा तो बलवान कहाँ से होगा। जितनी बॉडी में हमारी स्ट्रेंथ बढ़नी है, ताकत बढ़नी है, तो वो कहाँ से जाएगी, वो सब निकलती रहेगी। ये तो बहुत ज्यादा गलत लोग हैं जो सोशल मीडिया पे ये बातें फैलाते हैं, हमारे यंगस्टर के लिए गलत राह पे लेके जा रहा है, जो बहुत ही गलत बात है। तो अभी तक आपने कितने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराया होगा, कितने लोगों ने कंपटीशन खेला होगा, कुछ बताएंगे अपने स्टूडेंट्स के बारे में? वैसे लिस्ट में तो हजारों स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रिपेयर किया और चैंपियनशिप खेली है, मैं तो खुद बहुत को भूल गया, मगर हाँ 3-4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने मेरा बहुत ज्यादा मुझे सर ऊंचा कर रखा है। उसमें एक नाम है मेरा शुभम कुमार गिल, जो लास्ट टाइम यूक्रेन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत कर लाया था मैं उसमें बॉडी बिल्डिंग में। एक है नाजिम मलिक जिसने बहुत चैंपियनशिप जीती हैं, और एक समीर है, एक अभी रिसेंट में चल रहा है मोनिस खान, उसने अभी खेला है, वो लगातार चैंपियनशिप जीत रहा है। वैसे तो बहुत सारे हैं मगर 4-5 ऐसे हैं जिसकी जिसे मुझे फख्र होता है बहुत ज्यादा। वही सबसे ज्यादा ऊपर नाम जो है वो शुभम कुमार गिल का है जिसने बहुत चैंपियनशिप जीती। यूक्रेन में? हाँ, यूक्रेन में जीता, इंडिया में बहुत जीती, और मेरे पास लगभग वो 18 साल से है। 11th क्लास में पढ़ रहा था जब वो मेरे पास आया था। आज वो सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर है और अपना जिम चलाता है, बहुत बढ़िया लड़का है। कोई मैसेज देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, जो जिन लोगों ने जिम जस्ट स्टार्ट की है, जिम कर रहे हैं या कोई कंपटीशन लड़ना चाहते हैं उनके लिए? मेरा मैसेज सभी के लिए है, यंगस्टर के लिए भी है, जो ओल्ड हो गए उनके लिए भी है। अपने सेहत के प्रति आदमी को जो है सजग रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ जो है फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल का टाइम जो है बिल्कुल भी लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। अच्छा ट्रेनर होना चाहिए और अच्छा जिम ज्वाइन करना चाहिए, और जिम जाने के बाद जो है वो जल्दबाजी ना करें, अपनी जो है सारी बात बताएं ट्रेनर को, और उससे कहते हैं टाइम का कोई इशू नहीं है,
आप हमें जो है ट्रेन किए अच्छे से, बस कोई तरह की किसी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।